अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सतुल्ला और आप देख रहे हैं YouTube चैनल दी ए आई ओ यू। उम्मीद है तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो इम्तिहान कैंसिल किए थे उसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो रही है और कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जिनको करेक्ट न्यूज़ का नहीं पता वो भी अपने तरफ से न्यूज़ जो बनाकर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं, जिसके हवाले से अक्सर तालिबिल्म है वो परेशान हो रहे हैं। आज की शूटिंग के अंदर पेपर कैंसिल के बाद जो ओरिजिनल न्यूज़ आई है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आपके साथ शेयर की जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये 14 मई यानी कि संडे वाले दिन रिकॉर्ड की जा रही है और आप ऑलमोस्ट जो है संडे वाले दिन ही ये वीडियो देख रहे होंगे। और इसके अंदर ये है कि 10 मई से लेकर 14 मई यानी कि आज के दिन तक संडे तक जितने भी पेपर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इन दिनों के दरमियान थे उनको यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दी है। कल 15 मई है यानी कि कल मंडे है। मंडे वाले दिन जिसका पेपर होना है वो अपने टाइम शेड्यूल के मुताबिक ही होगा, उसी डेट पे होगा जिस डेट को वो होना है और उसी टाइम पे होगा जो आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन है। उसके बाद 16 मई 17 मई ऑनवर्ड इस तरह जिस जैसे भी आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर डेट्स अवेलेबल हैं उन्हीं डेट्स के ऊपर आपके लोगों के पेपर लिए जाएंगे। सेकंड कंसर्न ये है कि जो एम एम एस सी या मेड एम कॉमर एम एजुकेशन के तालिबे इल्म हैं उनकी रोल नंबर स्लिप के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की गई क्योंकि उनके जो पेपर हैं वो 22 मई से यानी कि 22 मई से स्टार्ट होने जा रहे थे तो उनके पेपर उसी तरह ही रहेंगे जिस तरह यूनिवर्सिटी ने पहले ही रखे थे। उसके अलावा इन 4 दिनों के दरमियान जितने भी पेपर थे उनको यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया है। अभी फिलहाल कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके अंदर इंटरनेट की जो सर्विस है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही। यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसके हवाले से यूनिवर्सिटी शेड्यूल जारी नहीं कर रही। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आप लोगों के इन जो पोस्टपोन पेपर थे इनका शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने इससे पहले भी कुछ पेपर जो है वो मुलतवी किए थे, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा कि कौन कौन से पेपर किस डेट्स को होंगे और इन पेपरों का जब शेड्यूल आएगा तो उसके बाद इसमें अलग से वीडियो बनाकर आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। फिलहाल तक ये जो मैंने न्यूज बताई है ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कंफर्म हो चुकी है। तो उसके अलावा बाकी जितनी भी न्यूज आ रही है उनके ऊपर आपने यकीन नहीं करना। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अपडेट आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।